क्या खत्म हो जाएगा टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का करियर, गेंदबाजों से भी बुरी हुई हालत। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जिसके दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को 197 रनों पर ऑल आउट करने के बाद टीम इंडिया की एक बार फिर से दूसरी पारी में हालत खस्ता नजर आई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हो या फिर सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल, सभी बल्लेबाज आज निराश करके एक बार फिर से पवेलियन की राह पकड़ते हुए नजर आए। लेकिन इस मैच में एक बार फिर से जिससे सबसे ज्यादा निराशा हुई वो है विराट कोहली। रोहित शर्मा को एक बार छोड़ भी दिया जाए क्योंकि इस सीरीज के पहले ही टेस्ट में कप्तान ने शतक लगाया था, लेकिन विराट कोहली तो पिछले 3 सालों से टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ निराश ही कर रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको विराट कोहली के 2020 से लेकर अब तक आंकड़ों से परिचित कराना चाहूंगा। विराट कोहली साल 2020 से कुल अब तक 23 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसकी 41 पारियों में विराट कोहली ने 1028 रन बनाए हैं। इस दौरान विराट का औसत मात्र 26 का रहा है। विराट कोहली का औसत किसी गेंदबाज से भी खराब है। आपको बता दें कि साल 2020 में कई ऐसे गेंदबाज आए जिनका औसत 28, 29, यहां तक कि 30 रहा है, लेकिन विराट कोहली का 26। अब यहां पर सवाल यह आ जाता है कि क्या विराट कोहली का लाल गेंद से खेली जाने वाली टेस्ट क्रिकेट में सफर समाप्त होने की तैयारी पर है? क्या विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में करियर समाप्त हो जाएगा? वनडे और T20 में तो ये दिग्गज अपनी फॉर्म हासिल कर चुका है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में विराट का बल्ला शांत है। एक बार को ये मान लेते हैं कि विराट कोहली भी बाकी खिलाड़ियों के साथ भारतीय पिचेस पर स्पिन के विरुद्ध अटक रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहां पर भी विराट कोहली का बल्ला खामोश है, रन निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। विराट ने इस दौरान सिर्फ 6 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं। इतना ही नहीं, विराट कोहली ने साल 2019 में खेले गए बांग्लादेश के विरुद्ध पिंक बॉल टेस्ट मैच में आखिरी शतक लगाया था, और अब उस बात को गुजरे हुए 3.5 साल होने वाले हैं, लेकिन विराट के बल्ले से एक ऐसी पारी नहीं निकली है जिसकी वजह से ये कहा जाए कि वो टीम में बने रह सकते हैं। यकीनन चौथे टेस्ट में भी उन्हें मुकाबले में रखा जाएगा, और अगर भारत ने सीरीज जीती, फाइनल में पहुंचती है, तो ICC के टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में उन्हें खिलाया जाएगा। लेकिन अगर इस अंतराल में विराट कोहली आने वाले 2 मैचों में भी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो क्या BCCI विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से बाहर करने का ये बड़ा जोखिम उठाएगा? सवाल यह आता है कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के सुपरस्टार सरफराज खान, जिन्होंने रनों का अंबार लगाया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो अभी भी टीम इंडिया से बाहर हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में विराट कोहली पर सवाल खड़े होने वाले हैं, उनकी टीम इंडिया में, खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में जगह को लेकर सवाल उठाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और अगर आप भी मानते हैं कि अब विराट कोहली का टेस्ट करियर खत्म होने की ओर है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।